नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है, हाई कोर्ट में पहुंचे एक मामले ने हरियाणा बीजेपी सरकार की पोल खोल के रख दी है। जरा ध्यान से सुनिएगा, आप भी हैरान रह जाएंगे कि असलियत ये है। दरअसल मामला शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सरकारी स्कूलों से जुड़ा हुआ है। कैथल जिले के बालू स्कूल के बच्चों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग से एफिडेविट के माध्यम से स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी की जानकारी मांगी, रिपोर्ट मांगी। और जब वो रिपोर्ट पहुंची कोर्ट में, सुनिए, सुनवाई हुई तो क्या कुछ निकल कर सामने आया, सुनिए जरा। जिस पर हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग को कड़ी फटकार तो लगाई, साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। और आगे क्या कुछ कहा वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए हालत क्या है हरियाणा में सरकारी स्कूलों की, शिक्षा की हालत क्या है। सुनिए, 131 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। सुनिए जरा, 131 स्कूलों में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। जो बच्चे वहां पढ़ने जाते हैं, 5-6 घंटे वहां लगाते हैं, पढ़ते हैं, क्या बिना पानी के पढ़ाई करेंगे? क्या उनको पानी की जरूरत नहीं पड़ती? जो टीचर्स जाते हैं, मान लीजिए अफसर दफ्तरों में जाते हैं, मुख्यमंत्री साहब भी जाते होंगे, तो क्या बिना पानी के वहां काम चल जाता है? क्या पीने के पानी की जरूरत नहीं पड़ती? तो ये जो बच्चे 131 स्कूलों में जाते हैं वो बिना पानी के पढ़ाई करेंगे? आगे और सुनिएगा, 236 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। 236 स्कूलों में एक तरफ शिक्षा को हाईटेक करने का प्रयास चल रहा है और एक तरफ 236 स्कूलों में बिजली ही नहीं है। और इससे आगे सुनिएगा, 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए यानी बच्चियों के लिए शौचालय तक की सुविधा नहीं है। शौचालय समझते हैं ना, बाथरूम की सुविधा नहीं है 538 स्कूलों में। लड़कियां क्या करेंगी, बच्चियां क्या करेंगी, अब बताइए। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लोग तो कोशिश कर रहे हैं बेटियों को पढ़ाने की, लेकिन जिस बेटी को वो सरकारी स्कूल में भेजेंगे, मान लीजिए इन 538 स्कूलों में भेजेंगे, वहां पर शौचालय तक की सुविधा नहीं है, इसका जिम्मेदार कौन है? और वहीं सरकार की कोशिश यह भी है, यानी देश को खुले में शौच से मुक्त करने की, कि कोई खुले में शौच ना जाए, तो यहां स्कूलों में सुविधा नहीं है शौचालय की। कमाल ही है ना। सुनिए, लड़कों के लिए तो इससे भी ज्यादा, 1047 स्कूलों में लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। लड़कों के लिए शौचालय नहीं है 1047 स्कूलों में। कमाल है। और इससे आगे सुनिए, 8240 क्लासरूम की अभी जरूरत है सरकारी स्कूलों में, कमी है, यानी जितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं ना, 8000 से ज्यादा अभी क्लासरूम की और जरूरत है। हरियाणा में कितने साल हो गए मौजूदा सरकार को, 9 साल हो गए। सरकार दावे बहुत करती है शिक्षा को लेकर, लेकिन देखिए सरकारी स्कूलों में अभी तक कमरों की कमी है, क्लासरूम की कमी है। भाई सरकारी स्कूलों में बच्चे क्यों नहीं भेजते लोग? कमी होगी तभी तो नहीं भेजते ना, अगर सब कुछ ठीक होगा तो लोग भेजेंगे। आप देखियो क्लासरूम की जरूरत है, 8000 से ज्यादा तो क्लासरूम की कमी है, और कितने स्कूलों में पीने के पानी की, लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, लड़कों के लिए शौचालय नहीं है। शिक्षा तो बाद में, ये बेसिक सुविधा होनी चाहिए किसी भी स्कूल में, पीने का पानी, बिजली, शौचालय,
ये बेसिक सुविधाएं हैं जो एक स्कूल में होनी चाहिए, है ना। पर ये जिम्मेदारी किसकी है? शिक्षा विभाग की, यानी सरकार की। ये सरकार की जिम्मेदारी है। और हाई कोर्ट ने कहा है सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, कोर्ट में धरातल पर काम नहीं कर रही है। ये हाई कोर्ट ने कहा है। आम लोग कहें तो अलग बात है, लेकिन जब कोर्ट कहे कि सरकार सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, धरातल पर काम नहीं कर रही, तो आप समझ जाइए कि क्या हालत है धरातल पर। एक तरफ सरकार के दावे और दूसरी तरफ ये हकीकत है, और इस हकीकत ने पोल खोल के रख दी है सरकार की। भाई शिक्षा तो एक बेसिक सुविधा है ना, जो लोगों को देनी है हमने। सरकार किस लिए होती है आप मुझे बताइए? बेसिक सुविधाएं तो लोगों को मिलनी चाहिए ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोड, ये बेसिक सुविधाएं हैं जो सरकार लोगों तक पहुंचाती है। और सरकारी स्कूलों की हालत आपके सामने आ गई, लोग क्यों भेजेंगे भाई सरकारी स्कूलों में, है ना। सरकारी स्कूल में बच्चा तभी जाएगा ना वहां जब फैसिलिटीज होगी, और हालत क्या है ये आपके सामने है। एक तरफ टैब तो दे दिए, आपने देखा होगा पीछे सरकार की ओर से कुछ बच्चों को टैब दिए गए। क्या टैब देने से सुधार हो जाएगा? अगर आप पीने का पानी मुहैया नहीं करवाएंगे, शौचालय नहीं होगा, बिजली कुछ स्कूलों में नहीं होगी, तो फिर क्या होगा? आप अंदाजा लगाइए जरा, है ना, कि धरातल पर क्या असलियत है और दावे क्या हैं। और हाई कोर्ट फटकार लगा रहा है शिक्षा विभाग को, और हाई कोर्ट ने आगे एक हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है इस पर, और शिक्षा विभाग के बड़े अफसरों को पेश होने के लिए कहा है हाई कोर्ट ने कि आइए रिपोर्ट लेकर आइए, क्या हो रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों ये छोटा मसला नहीं है, एक बड़ा मसला है शिक्षा को लेकर। भाई शिक्षा देंगे तभी तो बच्चों का फ्यूचर बनेगा, वो आगे बढ़ेंगे, नौकरी के लिए आगे बढ़ेंगे। और अगर हम शिक्षा ही नहीं देंगे, फैसिलिटीज ही नहीं देंगे स्कूलों में, तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे? सभी फिर प्राइवेट स्कूलों की तरफ दौड़ेंगे, और प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी है वो आपको पता ही होगा, है ना। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है दोस्तों, स्कूलों में सुविधाएं देना और बच्चों को लाना कि ये सुविधा हम दे रहे हैं, आइए पढ़िए, ये बेसिक फैसिलिटीज हैं और ये शिक्षा हम दे रहे हैं, तभी बच्चे आएंगे, नहीं तो क्यों आएंगे, कैसे आएंगे। और फिर सरकार स्कूलों को मर्ज कर रही है कि बच्चे नहीं आ रहे हैं, भाई बच्चों की कमी हो गई, आप इसको बंद कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। आपने पीछे देखा होगा, बच्चे तभी आएंगे जब आप फैसिलिटीज देंगे। और सरकार ने यह भी कहा है कि स्कूलों में बच्चियों का शोषण भी हो रहा है। अभी पीछे आपने मामला सुना होगा जींद के एक स्कूल की घटना सामने आई थी, कितनी ही बच्चियों ने शिकायत की थी कि वहां पर उनका शोषण किया जा रहा था। तो ये मामला है दोस्तों, क्या कुछ कहेंगे आप कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा इस रिपोर्ट के नीचे, इस वीडियो के नीचे। और इस वीडियो को अगर आप शेयर कर देंगे तो तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी अपनी राय दे पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुंचे, सही चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो आप इस चैनल को लाइक फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी वो आप लोगों तक पहुँच जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगली रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।